हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर आया था आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम का, कल हमने सॉल्व किया था जीएस यानी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, और आज हम उसी पेपर का पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे यानी हिंदी के 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट करके बताना है और एनालाइज करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन आपके पास मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण। तो गाइज, ये छह वर्ण, ये सभी, ये किससे रिलेटेड टॉपिक है? ये वर्णमाला से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि कितने आपके स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, और उसके बाद उच्चारण स्थान क्या होते हैं। इन सबसे क्वेश्चन आना फिक्स ही फिक्स है। और आप साथ ही साथ ये भी पढ़ते हैं कि संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वर्णमाला से एक दो क्वेश्चन बनने बनने कंफर्म है, आना ही आना है हर एग्जाम में, यानी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हर ईयर में आता ही आता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वर्ण। छा का और सा से मिलकर बना है, अर्थात छा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि विभावरी किस भाषा का शब्द है। तत्सम तद्भव से भी एक क्वेश्चन आना फिक्स है, एक से दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इस इन टॉपिकों को भी आप मत छोड़िए। ऑप्शन आपके पास तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। तो बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। विभावरी जो है वो एक तद्भव भाषा का शब्द है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि समास कौन सा है, पंकज में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद। समास से भी क्वेश्चन आने हैं, संधि से भी, कुछ डेफिनेट टॉपिक है जिससे कंफर्म है क्वेश्चन आना, जैसे आपका वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गए, तो और उसके बाद पर्यायवाची शब्द से भी आ जाते हैं, विलोम शब्द से आना तय है, शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, उनसे भी आते हैं मुहावरी, मुहावरे, लोकोतियां। ये ऐसे फिक्स टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा 53 का। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पंकज का मतलब होता है कमल, यानी जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो। पंकज मतलब जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो, कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल। तो यहाँ आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन टॉपिक से आना ही आना है। ऑप्शन आपके पास कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जब भी उपसर्ग की बात की जाए, समास की बात की जाए, तो उपसर्ग पूछा जाए तो उसका विग्रह कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। अत्याचार बना है अति प्लस आचार से, अति क्या है? उपसर्ग है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम आम खाता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखें। इसमें वाच्य का कौन सा रूप है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या उभयवाच्य। ये क्वेश्चन मुझे भी याद हो गया कि राम आम खाता है, इसमें क्या है? कर्तवाच्य है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, आम खा रहा है, तो क्या हुआ? कर्म कर रहा है, कर्म की प्रधानता है, तो यहाँ आपका कर्तवाच्य हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है कि हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक में किस कारक का उदाहरण है, यानी ये किस कारक का इस्तेमाल हुआ है यहाँ? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ आपका कर्म कारक इस्तेमाल हुआ है। वाक में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक में हेमंत क्या कर रहा है? यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में हेमंत को क्या है? करता है। और अच्छी लगना उसका क्या है? प्रभाव है, खीर पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो अर्थात खीर क्या है? कर्म है, और हेमंत यहाँ करता है, तो यहाँ आपका कर्म कारक हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ को विभक्ति चिन्ह भी है, तो विभक्ति चिन्ह की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कर्ता, ने, कर्म, को, कर्म का क्या है? को है, अधिकरण, विभक्ति चिन्ह, तो इस वजह से यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि वकील किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन आपके पास फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वकील आपका फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना है कि आंख फटे रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कमेंट करके बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास अंगूठा देखना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना या आंख चुराना। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आंख फटी रहना, आंख फटी रहना मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना, उसकी आंख फटी फटी रह गई, या मेरी आंख फटी फटी रह गई, यानी कि हम चीजों को देखकर क्या हो रहे हैं? आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं,
यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, विच्छेद कर देना है। तो यहाँ लेख प्लस अक हो जाएगा, यानी सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेखक में अक प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ईश्वर ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित शब्द का एक शब्द है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द का क्या इस्तेमाल करेंगे? यानी जिस चीज का कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे निराकार कहते हैं, बिना आकार का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एकदम बेसिक होंगे, जिन्हें देखकर आप उनका आंसर बता पाएंगे। हिंदी रीजनिंग ये आपके मार्क्स कंटेनिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डेफिनेट टॉपिक है कि उससे आने ही आने हैं। जबकि अगर हम जीएस की बात करें तो उसमें आपकी हिस्ट्री भी आ जाती है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, पॉलिटिक्स भी आ जाता है, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। और इनमें क्या है, इनके एक डेफिनेट है हिंदी और रीजनिंग में या इंग्लिश और रीजनिंग में, तो इस पे ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ, प्रयोग नहीं हुआ है? इस बात का भी ध्यान रखिए, पढ़ते वक्त नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अक्सर बच्चे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कराते हैं। ऑप्शन आपके पास तिरोधान, सिरोधार, दीपोत्सव या रजोभाव। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर हम दीपोत्सव की बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, दीप प्लस उत्सव, दीपोत्सव। इसमें विसर्ग संधि का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नमस्कार की बात करें तो नमस्कार में विसर्ग संधि का इस्तेमाल हुआ। ये आपको मैंने एक बेसिक सा एक हिंट दे दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही क्या होगा। ऑप्शन मन प्लस कार, नमः प्लस कार, ना प्लस कार या मस प्लस कार। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में क्या लगता है? विसर्ग लगता है, अनुस्वार लगते हैं। तो यह नमः प्लस कार हो जाएगा, यानी नमस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा, नमः प्लस कार। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वह आता में वह सर्वनाम किस गोतक हो सकता है, किसका गोतक हो सकता है? ऑप्शन आपके पास गांधी जी, अतिथि, भिक्षुक या विकलांग। तो राइट ऑप्शन बताइए। यहाँ आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भिक्षुक। वह आता में वह सर्वनाम भिक्षुक का गोतक है। भिक्षुक को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस है ये अतीत के चलचित्र, और आपको राइटर भी हो सकता है आप लोगों को पता हो, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके पास महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह या अज्ञेय। अतीत के चलचित्र के जो रचयिता है वो है महादेवी वर्मा। और ये एक अगर आपसे पूछ लेता कि किस विधा की रचना है, तो ये रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र ये रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इससे विभक्त निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, यानी ये जो कारक दिए हुए हैं इनमें से विभक्ति किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? संप्रदान, कर्म, करण या कर्ता। तो अगर हम पढ़े तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, यानी करण तत्पुरुष, सॉरी करण कारक इस्तेमाल हुआ। यहाँ करण तत्पुरुष की बात की जा रही, करण तत्पुरुष नहीं कहेंगे हम, करण कारक कहेंगे सिर्फ। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष के कई सारे पार्ट होते हैं, तो यहाँ तत्पुरुष की बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके पास संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, और खुद एनालाइज भी कीजिए कि आप इनमें से कितने को सही कर पा रहे हैं। तो गाइस यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समुच्चय बोधक। वे अविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें क्या है, उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर रानी को उल्का पिंड के समान दीप्तमान बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन, शुद्ध वर्तनी से भी हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं।
एक ही शब्द को चार तरीके से लिखा गया है और आपको पूछा गया है कि इनमें से सही कौन सा होगा। तो सही यहाँ जो शब्द है वो है सुसुप्ति। यहाँ सुसुप्ति जो ये डी वाला ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवर शब्द का विलोम क्या होगा, दूसरा, अपर, प्रवर या अधम। राइट ऑप्शन बताइए। अवर का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रवर। प्रवर मतलब होता है उच्च, अवर मतलब होता है निम्न, तो निम्न का उच्च हो जाएगा तो अवर शब्द का विलोम हो जाएगा प्रवर। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या वह पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह इस्तेमाल होगा। चार चिन्ह आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो यहाँ क्या एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन, इसे देख के पढ़ के आराम से आप बता सकते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है, विद्यापति को, खुमान राशो को, पृथ्वीराज राशो को, ये चंदबरदाई को। यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आदिकाल व भक्तिकाल का संत कवि विद्यापति को कहा जाता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है आपको। चार वाक्य दिए हुए हैं। पहला है वह अपना चश्मा भूल गया। पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान है। तो इसमें से बताइए गलत कौन सा होगा। तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, तुम तो अपना काम करो। ये क्या है, वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा तुम अपना काम करो। यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है अशुद्ध वाक्य पहचानने की, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर कह रहा है कि लघुर्मि में कौन सा संधि है। क्या बताया मैंने, जब भी संधि आए, समास आए, विच्छेद कर लीजिए, संधि विच्छेद करिए। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी, तो क्या हो रहा है, छोटा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि हो रहा है, यानी दीर्घ की बात की जा रही है। यहाँ दीर्घ हो रहा है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं, तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, यानी रूढ़ शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाग। बताइए रूढ़ शब्द कौन सा होगा, यानी जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते, जिनको आप दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर की बात करें तो लंबा प्लस उदर, यानी जिनका उदर लंबा हो, दो भागों में बट गए, तो ये नहीं होगा। घुड़सवार, घोड़ा प्लस सवार, तो यहाँ भी दो भागों में बट गया। लेकिन अगर हम पीला की बात करें तो पीला क्या है, इसे आप दो भागों में नहीं बांट सकते, पीला पी प्लस ला कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। तो यहाँ ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, शब्द सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका कोई खंड सार्थक ही नहीं हो रहा, यानी अगर हम इसे खंडों में विभाजित करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो इस वजह से यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आ उपसर्ग के प्रयोग से शब्द कौन सा बना हुआ है, अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक या अपेक्षा। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवैतनिक जो शब्द है वो आ उपसर्ग के प्रयोग से बना हुआ है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कंचन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, स्वर्ण, मंगल, श्याम या कौशल। राइट ऑप्शन बताइए। तो कंचन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है स्वर्ण, और इसके और पर्यायवाची जो होते हैं वो होते हेम, सोना, कनक। इस वजह से ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर कह रहे हैं उन्मीलन का विलोम शब्द कौन सा होगा, निमीलन, उत्मीलन, नीलन या निह प्लस निमीलन। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, उन्मीलन का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा नीलन, क्योंकि किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को ही उल्टा विलोम शब्द कहते हैं, तो उन्मीलन का विलोम हो जाएगा नीलन। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो क्या कहलाएगा, अद्भुत, अप्रत्याशित, अनुपम या अभूतपूर्व। तो यहाँ हम एकदम बेसिक सा लॉजिक लगा सकते हैं, अभूतपूर्व जो पहले कभी नहीं घटित हुआ हो, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रत्याशित का मतलब हो जाएगा जिसकी आशा ना की गई हो, अनुपम का मतलब हो जाएगा जिसकी कोई उपमा ना हो, और अद्भुत मतलब हो जाएगा विचित्र प्रकार का। तो यहाँ डी ऑप्शन बचता है, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि पांच दान जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तो योग रूढ़ है, यौगिक है, तद्भव है या संकर है। यहाँ पांच दान शब्द तद्भव शब्द है, सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है आंख कांधा नाम नयन सुख, तो इसका क्या अर्थ है, एक ही व्यक्ति के कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, आंख न होने पर दुखी या आंख न होने पर सुखी, यहाँ क्या मतलब निकल रहा है। आंख कांधा नाम नयन सुख यानी कि गुण के विपरीत नाम रखा है, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, यानी 80 का बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस। बताइए, जब आप कोई वीरता भरा काम करते हैं तभी तो आप में क्या आता है, उत्साह आता है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी वी हाँ वीर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है। फिर कह रहे हैं सूर सागर किस भाषा की रचना है, अवधी, बुंदेली, ब्रज या छत्तीसगढ़ी। सूर सागर किसकी रचना है, किस भाषा की रचना है। सूर सागर में ब्रज संबंधी बात की जा रही है, यानी सूर सागर सूरदास की रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, यानी यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, कौन, सूरदास जी, यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं दिगंबर शब्द उदाहरण है किसका, स्वर संधि का, यण संधि का, विसर्ग संधि का या व्यंजन संधि का। जो दिगंबर है वो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिक प्लस अंबर यानी क प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है, पहला तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं इनमें से सर्वनाम रहित वाक्य है, यानी इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जिनमें सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऑप्शन आपके पास वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है या तुम नहीं पढ़ते, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन पढ़ता है, इसमें सर्वनाम नहीं है, जबकि वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है और तुम नहीं पढ़ते, इन सभी में सर्वनाम है लेकिन मोहन पढ़ता है इसमें कोई सर्वनाम नहीं है, इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है मृगावती किसकी रचना है, उस्मान की, मंझन की, कुतुबन की या जायसी की, बताइए मृगावती किसकी रचना है। मृगावती सूफी कवि कुतुबुन की रचना है जो 1503 ईस्वी में लिखी गई थी, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है, यानी वाक्य दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त है वो आपको बताना है। वाक्य यहाँ आपके पास वह पढ़ता है, मोहन खेलता है और सोहन पढ़ता है, मोहन खेलता है या वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो बताइए दो वाक्यों से मिलकर जो नया वाक्य बनाया जाता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो बताइए इनमें से कौन से वाक्य में आपको दिख रहा है कि दो वाक्य मिलकर बने हुए हैं। बी ऑप्शन देखिए, मोहन खेलता है, सोहन पढ़ता है, दो अलग अलग वाक्य हैं, इनको और से संयुक्त किया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। फिर कह रहा है वह प्रातः उठकर स्नान करता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, मैंने कौन सी क्रिया विशेषण है, वह प्रातः उठकर करता है, चारों में से कौन सा क्रिया विशेषण बताइए। तो यहाँ आपका जो क्रिया विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा उठकर, वह प्रातः उठकर स्नान करता है। वाक्य में उठकर क्या है, क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है, तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन देखते हैं, फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। ऑप्शन आपके पास तारस, तार सप्तक, त्रिप्रवास, कामायनी या ग्राम्या, यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कामायनी की रचना द्विवेदी युग में की गई थी, और कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है, और इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, दुर्लभ वस्तु, असंभव कार्य, पेड़ की प्रशंसा या इनमें से कोई नहीं। गूलर का फूल किसने देखा है, नहीं, क्यों, बहुत दुर्लभ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ वस्तु। फिर पूछ रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विधेय विशेषण, प्रव्य विशेषण, क्रिया विशेषण या विशेष, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण, विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, और जो शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं प्रविशेषण, यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षत का विलोम शब्द क्या है,
यानी अक्षत जो शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास छत, नक्षत, विच्छत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षत का विलोम शब्द होता है नक्षत्र, क्योंकि किसी शब्द का विलोम मतलब उल्टा, अक्षत का विलोम शब्द हो जाएगा नक्षत्र। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद, बहुव्री या कर्मधारय? तो यहाँ आपका कृष्ण अर्जुन का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्णा और अर्जुन, और यहाँ दोनों पद प्रधान है, यानी कि आपका यहाँ द्वंद समास हो जाएगा। जब भी और की बात की है, माता और पिता, तो ये क्या है? द्वंद समास के उदाहरण हो जाएंगे। कृष्णा अर्जुन, कृष्णा और अर्जुन, तो ये द्वंद समास हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो काम ना करना चाहे उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य या दुष्कर? उसके लिए एक शब्द होगा अकर्मण्य, जो काम ना करना चाहे। आलसी मतलब होता है काम करना तो चाहता है लेकिन मन नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, यानी आलसी है। निकम्मा जो जानबूझ के ना करे। यहाँ कह रहा है कि जो काम ना करना चाहे तो उसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा अकर्मण्य। इस क्वेश्चन कह रहा है कि यामा किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की, महादेवी वर्मा की, अज्ञेय की या मुक्ति बोध की? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यामा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। फिर पूछ रहा है कि शोक किस रस का स्थाई भाव है? शोक मतलब दुखी, दुख किस में आता है? करुण में। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। पूछ रहा है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? ऑप्शन आपके पास रमेश चंद्र, शिवानी, मंगलेश डबराल या नागार्जुन? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन ये आपकी मंगलेश डबराल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? हिम प्लस आलय, ही प्लस आलय या हित प्लस आलय या हिमा प्लस लय? या हिम प्लस आलय सही हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद है हिम प्लस आलय। इस क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछ रहा है उपसर्ग बताना है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सॉरी विच्छेद करना है, शब्द जो दिया हो उसका विच्छेद करेंगे अत्याचार का, तो अति प्लस आचार हो जाएगा, यानी यहाँ अति उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है। फिर कहा है राम ने कहा गाड़ी पलट गई में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, द्वित वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य? तो ये क्या है? मिश्र वाक्य। राम ने कहा ये एक शब्द है, गाड़ी पलट गई ये दूसरा शब्द है। दो शब्दों को मिलाकर सॉरी दो वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाया गया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो टोटल इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं जो आपके 2022 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, और इनमें आपने देखा भी होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी किस टॉपिक से रिलेटेड। संधि विच्छेद से आए हुए हैं, समास से आया हुआ है आपका, विलोम शब्द से आए हैं, पर्यायवाची से आए हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द से आया है, वर्णमाला से शब्द आया है, सॉरी वर्णमाला से एक क्वेश्चन आए हैं, और रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो ये सभी जो टॉपिक हैं ये फिक्स टॉपिक है, इनसे आना ही आना है। संज्ञा सर्वनाम से आएगा, विशेषण से आएगा, तो ये एक डेफिनेट टॉपिक है जिनसे आने ही आने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, इन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। हिंदी में आपका 50 में 50 आ जाएगा, 50 में 50 मुश्किल है, लेकिन 45 प्लस तो आ ही सकता है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। डेली हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से आप खुद ही देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, और आप देखते देखते आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।